मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। एक महिला जो फूल माला पहने हुए है उसे पुलिस गाड़ी में बिठा रही है, वो पलट कर अपना विरोध जताती है, उसके दाएं पैर का कपड़ा फट चुका है। गाड़ी में बैठाने वालों में महिला पुलिस कहीं नहीं नजर आती, पुरुष हैं जो भी पुलिस वाले हैं। जानते हैं महिला कौन है? पूर्व SDM डिप्टी कलेक्टर जिसको कहते हैं, वही डिप्टी कलेक्टर जिसको देखते ही कई पुलिस वाले सैल्यूट करने लग जाते हैं। आज वो इस तरीके से क्यों इसे ले जा रहे हैं? थंब टाइटल से थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, अब कहानी को पूरा खोल देते हैं। ये मध्य प्रदेश की निशा बांगरे हैं जिन्होंने बीते दिनों डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही थी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि निशा बांगरे को कांग्रेस अपने टिकट पर चुनाव लड़वा सकती है या वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती हैं। मगर डिप्टी कलेक्टर निशा चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि निशा ने अपने पद से इस्तीफा तो 3-4 महीने पहले दे दिया था, जिसके बाद इस BJP सरकार ने उसको अभी तक मंजूर ही नहीं किया है। मंजूरी न मिलने की वजह से निशा विरोध कर रही है, विरोध में पैदल यात्रा शुरू की। इस दौरान 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में उन्हें हिरासत में ले लिया। ये इस दौरान इनके कपड़े फट गए जो तस्वीरों में नजर आए। छतरपुर जिले के लौकुश नगर की SDM निशा बांगरे ने इस्तीफा न मंजूर होने पर 28 सितंबर को बैतूल जिले में पड़ने वाले आमला से, आमला एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से न्याय यात्रा शुरू की थी। उनकी यात्रा भोपाल पहुंचने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 अक्टूबर को निशा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते ही हिरासत में ले लिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस दौरान कुछ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो SDM निशा बांगरे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने 22 जून 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लगभग 4 महीने बाद भी इस्तीफा ना मंजूर होने से राजनीति गर्म हो रखी है। निशा का दावा है कि वो एक अनुसूचित जाति की महिला है, इस कारण उनके स्वतंत्रता के अधिकारों से दूर किया जा रहा है। निशा ने यह भी कहा कि अगर वो BJP के टिकट पर चुनाव लड़ती तो उनका इस्तीफा एक दिन में मंजूर हो जाता। BJP सरकार का विरोध करते हुए निशा ने कहा कि शिवराज सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। 9 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान निशा बांगरे भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लेकर पहुंची थी। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अंबेडकर का पोस्टर तक फाड़ दिया गया। निशा ने यह भी कहा कि एक दलित बेटी के कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। निशा बांगरे ने साल 2016 की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। 2016 में उन्हें DSP का पद मिला, वो और बड़ा पद चाहती थी। 2017 में फिर से वही परीक्षा दी और इस बार रैंक अच्छी आई और वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गई। लेकिन अब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो तस्वीरें सामने आ गई। निशा ने ट्वीट कर लिखा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आमला से जारी न्याय पदयात्रा के भोपाल पहुंचने पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शिवराज मामा की तानाशाह सरकार के इशारों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता शर्मनाक और कलंकित करने वाली है। ये निशा का ट्वीट है। निशा ने इस्तीफा देते वक्त भी शिवराज सरकार को निशाना पर लिया था, उस वक्त क्या कहा था वो भी आपको सुनना चाहिए। अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को, अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ। मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करने की, और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। निशा के तेवर सरकार के प्रति तल्ख है। साफ है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहती है, मगर इस्तीफा ना मंजूर होने की स्थिति में विवाद अभी और आगे बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अगर वो पद पर बनी रहती, इस्तीफा नहीं मंजूर होता तो किसी भी सरकारी अधिकारी को टिकट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा नियम है। मेरा नाम अभिनव पांडे है, आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।